बदायूं के आसफपुर क्षेत्र में विगत 8 सितंबर को हुई लूट का पुलिस खुलासा करने में सफल हुई। बाइक सवार दंपति को लूटने वाले दो लोग पकड़े गए। बाराबंकी शहर की सड़कें गड्ढे में हैं या गड्ढे में है सड़क, लोगों के लिए बनी समस्या। सरकार के आदेश पर कब होगा काम। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी को लेकर कफन ओढ़कर प्रदर्शन किया, जिसकी खासी चर्चा रही। बदायूं में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर अवैध शराब बनाने वाले 6 लोगों को पकड़कर भेजा जेल। स्वार के नरपत नगर, दूंदावाला एवं शेखपुरा को मिलाकर नगर पंचायत बनाने की मांग। रामपुर में राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नलिन सिंह ने प्रमित गुर्जर निवासी ग्राम मिश्री नगर जनूबी को संगठन का जिला कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया। संबल नगर के सरथल चौकी स्थित सनातन पब्लिक स्कूल में कोर पीसीआई जनकल्याण समिति की ओर से राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम की सामुदायिक प्रेरिकाओं का आभार समारोह आयोजित किया गया। संभल के गन्नौर में आतंकी बंदरों ने किया बुजुर्ग पर हमला, छत से गिरकर हुई बुजुर्ग की मौत। बंदरों को भगाने के लिए छत पर गया था बुजुर्ग। थाना पटवाई पुलिस द्वारा एक अभियुक्त प्रेम सिंह को मेक अदद तमंचा 12 बोर 5 जिंदा कारतूस 12 बोर अवैध के साथ किया गिरफ्तार। काट के विधायक राजेश कुमार ने आज जरूरतमंदों को वितरित किए चश्मे। सरकार का गरीबी की रेखा के नीचे वाले लोगों के लिए फैसला, राशन की दुकानों पर आगामी माह से प्रत्येक राशन कार्ड धारक को 2 किलो चना वितरण किया जाएगा। जिला पूर्ति कार्यालय सूत्रों ने दी जानकारी। मुरादाबाद के जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आज तहसील बलारी में जन शिकायतों को सुनने के साथ ही राष्ट्रीय पोषण के अंतर्गत कुपोषित बच्चों को पोषण पोटली वितरित की। मुरादाबाद में सपाइयों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज, जगह जगह थूकने और मास्क न लगाने पर महामारी अधिनियम और धारा 144 उल्लंघन का आरोपी बनाया गया। बाराबंकी में खाद की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापे, नकली खाद बेचने पर एक का निरस्त और 2 के लाइसेंस निलंबित। बिना मास्क घरों से निकल रहे लोग, कोरोना वायरस की जंग जीतने को चबाने पड़ेंगे लोहे के चने। महानगर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का दिया संदेश।